यही मसला है ना. अगर एक तो ये है कि लोग बाज़ औक़ात ऐसा समझते हैं कि टोमेटो प्यूरी शायद हम कहीं और से बाहर से लेना पड़ेगा. हाँ. जरूरी नहीं है कि आप बाहर से लें, घर में ग्राइंड कर लो, वाटर थोड़ा सा डालकर, है ना. ओके जी, मसाले जो कि हमने लिखवाए थे रेसिपी कार्ड में वो आधे पहले से हमने कबाब में ऐड किए थे, आधे हम इस वक्त यूज कर रहे हैं. ठीक है, हाफ हाफ टी स्पून उस वक्त यूज किया था और हाफ टी स्पून हम इस वक्त यूज कर रहे हैं. ये देखें कहाँ धनिया पाउडर, ये ठीक है, ये हो गया. इसके अलावा अदरक पेस्ट, ये देखें 1 टीस्पून, इसमें नमक थोड़ा सा हम डालेंगे क्योंकि पहले से भी डला हुआ है. और हाफ टी स्पून से भी कम डाला है. अगर कम हुआ तो कोई बात नहीं, हम बाद में. हाँ, तो और जल जाएगा. वैसे कबाब में भी तो डाला है ना. हाँ जी, कबाब में भी तो हमने डाला है. और अगर नमक कम हो जाए कोई मसला नहीं है. और ज्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं. आटे का गोला वाली चिप बताई थी ना हमने. ओके, आप इसको ढकना दें. हाँ, और दम पे रखें. घुमाना नहीं है, मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर चम्मच हिलाऊं. ओके, ये हो गए. ठीक है जी. नहीं, इसको अभी मूव नहीं करना. अभी ये पकता रहे. हाँ, ये पकता रहे. okay. ये इसको मैं बाकी जो चीजें हैं ये रिमूव कर लेता हूँ. okay, sure, ठीक sure. ये क्योंकि अभी हमने मीठा भी बनाना है. हमने मीठा भी बनाना है और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे. और नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है उसकी तैयारी करेंगे. उसकी तैयारी करेंगे. अच्छा, ये कुक होता रहेगा खुद? ये होता रहेगा. और कितनी देर तकरीबन इसका कुकिंग टाइम कितना है? कम अज कम 15 मिनट्स. ओके, 15 मिनट्स. 15 मिनट्स में. नॉट बैड, नॉट बैड. लेकिन अहमद जी, उसमें ये होता है कि कभी ना ऐसा भी होता है कि आप ये भी बताया करो कि टोटल कुकिंग टोटल टाइम कितना है किसी एक डिश के लिए. क्योंकि पता है क्यों, आपने देखो हमने कीमा वगैरह पहले से बना के रखा हुआ था और इसके अलावा प्याज वगैरह कटा हुआ था, तो वो टोटल अगर हमको पता चल जाए ताकि जो हाउस वाइफ घर में प्लान करती है खाना बनाना वो फिर उतना टाइम पहले शुरू करे. वरना वो कहेंगे 15 मिनट का काम है, 2 बजे खाना तय ना, चलो मैं 1:30 शुरू करूंगी. अब शाम के 40 मिनट्स. बीइंग रियलिस्टिक मैं आपसे कहूंगी आप 1 घंटा कम अज कम अपने लिए रख लें. वो अहमद कह रहे हैं 40 मिनट्स. अहमद, हर कोई आपकी तरह से एक्सपर्ट नहीं होता है. हो सकता है. तो आप तकरीबन 1 आवर, मेरी बात माने, आप 1 आवर रखें. उसमें उससे भी शायद आपको कभी थोड़ा ज्यादा लग जाए, मगर एटलीस्ट 1 आवर जो है उसमें बन जाएगा. अच्छा जी, कुछ मेरे पास ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस हैं, पढ़ देती हूँ या नई रेसिपी जो हम पढ़िए. ओके, सही है. मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2 है बेसिकली, क्योंकि ये मैं भी और ले आती हूँ वैसे, बाय द वे सॉर्ट आउट करके. एक हमें जी ईमेल आया है उमारा का. उमारा ने हमको कराची से ईमेल किया है और उनका क्वेश्चन बहुत मजे का है. वो ये कह रही है कि आप लोग जो ये डिशेस बनाते हो और इतने मजे मजे की डिशेस होती हैं और प्रेजेंट करके आप लोग चले जाते हो, ये खाता कौन है? इसका जवाब अहमद दो आप जरा. मैं ये कौन खाता है? बहुत सारे लोग खाते हैं. यहाँ पे जितनी भी सारी टीम है तकरीबन वही. आइए, अलग बात है कभी कभी कोई नाराज हो तो वो ना खाए. लेकिन मैं भी खाती हूँ. और भाई देखें, ये तो फिर फन है ना, जाहिर है. बस अहमद, वैसे आप भी खाते हो? हाँ जी बिल्कुल, है ना. मैंने आपको खाता नहीं देखा. अहमद को मैंने खाता नहीं देखा वैसे, अपनी बनी हुई चीज. क्यों अहमद, इसकी कोई खास वजह? नहीं, कोई वजह नहीं. कुकिंग पे आपको मैं कहता हूँ या तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं है. इसकी एक और वजह है. एक वजह ये है ना कि जो हमारी टीम है यहाँ की, कैमरा में है, ऊपर है, MCR में है, काफी सारे लोग हैं ना. मैं कहता हूँ चलो, मैं तो वैसे भी अपनी हाथ की अपने हाथ ही खाता रहता हूँ. अब सबको किसी और के हाथ का अच्छा भी नहीं लगता होगा. नहीं लगता है. वैसे आपको लगता, मुझे एक बात बताएं अहमद, आपको लाइफ में होता है ना मदर, सिस्टर, वाइफ, एनीवन, तो आप मुझे बताओ कि आपको किसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है? खाना सिस्टर के हाथ का और चाय अम्मी के हाथ की. अच्छा, सब लोग औरों से काम ही करवावा. कुछ अपने के ही नहीं, एक चीज नहीं कहा. देखो बंदे घर में खाना बहन बनाएगी, चाय अम्मी बनाएंगी और कपड़े वगैरह कौन प्रेस करेगा? वो बाकी लोग. नहीं लेकिन that's right. अच्छा, तो चाय में क्या ऐसी खास बात है? आप आंटी वाली रेसिपी कभी लाओ ना, आपको दिखाऊं. मुझे नहीं पता, लेकिन तकरीबन ये हो गया कि जब से हम बड़े हुए तब से अम्मी ने कभी खाना नहीं बनाया. ये सच है. लेकिन हमेशा चाय वो बना के देती, स्पेशली मुझे जब भी मैं मतलब उन्हें कहता हूँ चाय बनाए तो वो ही बना के देती है. और उन जैसी चाय कोई नहीं बना सकता, आप यकीन मानिए. मैंने बहुत, हाँ नहीं, एक ये चीज ये भी है
है, ये भी है, लेकिन ये हकीकत है कि जब कभी भी कोशिश की मैंने हर तरह से, मतलब उनकी रेसिपी को ट्राई करने की, इस तरीके से वो चाय बनाती है मैं भी उसी तरीके से बनाऊं, लेकिन वैसे जायका नहीं आता। अच्छा, वैसे एक और बात भी इसमें है कि जब आप थके हुए हो और कोई लाके दे ना चाय, वो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी बात हो सकती है। ट्राई करिएगा, कभी किसी और से चाय बनवाइएगा और आपको। अच्छा जी, एक और हमारा भी टेक्स्ट मैसेज है, जल्दी से पढ़ लेते हैं जी। बोलिए। सलमान फारूक ने हमको टेक्स्ट मैसेज किया है जी, इस्लामाबाद से। हाँ, अच्छा जी, बड़े नाराज हैं सलमान, और सलमान कहते हैं कि इतने ज्यादा आपको टेक्स्ट मैसेजेस भेजता हूँ और आपको इतने ज्यादा ईमेल्स भेजता हूँ और आपने मेरा कोई ईमेल जो है वो बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है। सलमान को मैं बताना चाहती हूँ, सलमान, ऐसा कोई रीजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आपका ईमेल या आपका टेक्स्ट मैसेज हमने इंक्लूड नहीं किया। बात यह है कि आप बहुत ज्यादा तारीफें करते हो, जो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे लगा कि आपके ईमेल्स वर ओनली मेंट फॉर आवर कंजम्पशन, तो मैंने अपनी टीम के साथ शेयर कर लिया, मगर मैं समझी कि इस कदर ज्यादा, मतलब आपको बहुत पसंद है हमारा प्रोग्राम, थैंक यू सो वेरी मच, इसलिए आज मैंने आपकी शिकायत थी तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। बच्चे है कि आप भेजते रहा कीजिए, और अगर कोई कॉन्क्रीट सजेशन हो, कोई रेसिपी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो फिर वो शामिल करने का ज्यादा मजा आता है। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तो बनता जाएगा, बनता जाएगा। मैं थोड़ा सा स्मेल करना चाहती हूँ, बल्कि उनको एक मिनट दें, इंसर्शंस भी इसकी लगे, ये देखें, आपको लगेगा कि कबाब टूट नहीं रहे। हाँ, लग रहा है ना, ठीक है, टूट नहीं रहे, बिल्कुल नहीं टूट रहे, कोई भी इस तरह मसला नहीं है कि हमें डर हो कि अब कबाब हमारे टूट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा कुक हो गया। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, व्हाइट व्हाइट हो गया। हाँ जी, व्हाइट व्हाइट हो गया, लेकिन हम इसको दूसरे उस पर शिफ्ट करेंगे, ओके, वहाँ पे, ठीक है, और इसको पकने के लिए प्रॉपर टाइम देंगे। सही, अभी ये बनता रहेगा, ठीक है, ये बनता रहेगा। लेकिन क्या हम मिठाई को भी पकाएंगे? थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा अच्छा, मिठाई नहीं, मिठाई भी पकेगी, मिठाई लड्डू बनेंगे ना, लड्डू। अच्छा, मुझे नहीं, बिल्कुल मुझे मिठाई का नहीं पता कि कैसे बनती है, आई हैव नो आइडिया। लड्डू बनाएंगे, मैंने वो हमेशा बनी हुई देखी है। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो किसी दरख्त पे बनी हुई लगती है क्योंकि मैंने कभी मिठाई का, हाँ, गुलाब जामुन, आई नो, हमने एक दफा एक और भी चीज बनाई थी, अहमद, मुझे याद नहीं आ रहा, मिठाई में नहीं, अभी नहीं ट्राई किया, नहीं नहीं, हमने कुछ बनाया था, बादाम का हलवा था, बादाम का हलवा, जर्दा, हमने कोई मिठाई, हाँ हाँ, बादाम का हलवा था, जो हमने बनाया था। ओके, नेक्स्ट रेसिपी, जो रेसिपी के लिए जो हमें चीजें चाहिए जी, हमें चाहिए कोकोनट, चाहिए कोकोनट क्रश किया हुआ, बाजार में आम जनरल स्टोर से जी बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। हमें तकरीबन चाहिए 250 ग्राम या थोड़ी सी मिकदार ज्यादा भी कोई मसला नहीं है। दूध हमें चाहिए 1 कप, रेसिपी कार्ड में लिखवाया लेकिन 1/2 कप हम करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क हम यूज करेंगे 1 कप, एक कैन में 2 कप तकरीबन इस तरह होते हैं, हम 1 कप यूज करेंगे। चीनी हम तकरीबन 1/2 कप यूज करेंगे क्योंकि ये भी काफी मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। इसके अलावा इसकी गार्निशिंग के लिए रेड, जो लाल शरबत है वो हम यूज करेंगे। अच्छा। और इसके अलावा किशमिश, ये आप चाहें तो इसकी सिर्फ गार्निशिंग करें, चाहें तो आप सिर्फ इसको ऊपर से इसके अंदर, मतलब जब हम लड्डू बनाएंगे तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। सब्ज़ इलायची हमें चाहिए तकरीबन 4 से 6 अदद, या आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर सब्ज़ इलायची का चाहिए, तो उसके लिए वो चाहिए। ठीक है, इसके लिए कुकिंग टाइम, हाँ जी, दूध 1/2 कप, ये देखे फुल कप नहीं है, हमारे पास हाफ है, लेकिन हमारा वाला कप नहीं बल्कि ये 1 कप है, क्योंकि मग बहुत बड़ा है, 1 कप है, 1 कप है, तो हमें हाफ कप चाहिए, हाफ कप चाहिए। इसके अलावा हमें जो बर्तन है वो मैं ले लूं जी, बर्तन हमको चाहिए। और व्यूअर्स, आपको ये बताते चले, वैसे अगर मिठाई जो है ना, मिठाई बहुत मजे की चीज, क्योंकि ईस्ट देसी अगर आप डिजर्ट्स की बात करते हो तो मिठाई जो है वो आई थिंक उसका कोई पैरेलल नहीं है। मतलब केक्स खा लो आप, कस्टर्ड्स खा लो, पडिंग्स खा लो, लेकिन जो मिठाई की बात है, और जो दबा के मिठाई फैटनिंग भी है, लेकिन इस वक्त हम उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मजे की बहुत होती है, नो डाउट, बहुत मजे की थी। और अगर आपको ये आ जाए कि वो घर में बन रही है, आप घर में बना सकते हो, तो कितनी अच्छी बात है, साफ सुथरी, और आई थिंक थोड़ी सी इकोनॉमिकल भी पड़ेगी आपको, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट, क्योंकि जब आपको अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना है तो फिर उसके लिए थोड़ी सी पॉकेट को लूज करना पड़ता है। इंडियन रेसिपी है, वैसे इंडियन के साथ हमारा चूंकि काफी वास्ता है, एब्सोल्युटली सब कॉन्टिनेंट, तो आपको पता है कि हमारी जो कुजीन है वो काफी मिलता जुलता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत बहुत मिलता जुलता है। उनके साउथ साइड पे ये लड्डू बहुत ज्यादा बनते हैं, साउथ इंडियन लड्डू, हाँ जी, लेकिन उसमें ये होता है कि वो जो हम कंडेंस मिल्क यूज कर रहे हैं वो यूज नहीं करते, क्यों वो नहीं यूज करते, पता नहीं क्यों, शायद एक्सपेंसिव होता हो वहाँ पे, या शायद उनकी देसी रेसिपी में यूज ना होता, यूज नहीं होता होगा, इससे ये देखिए ना, इनोवेशन तो होती रहती है, होती रहती है। ठीक,
ये हमने डाल दिए, और दूसरा ये कि इसकी बाइंडिंग का काम भी करेगा। अगर ना हो कोई बात नहीं, कंडेंस्ड मिल्क नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है, ड्राई मिल्क यूज करना चाहें आप वो भी यूज कर सकते हैं, मगर जो असल मजा आएगा वो तो फिर कंडेंस मिल्क का है। वैसे कंडेंस मिल्क तो वैसे भी स्पून के साथ बंदा खा ले तो बहुत मजे का लगता है, वेरी फैटनिंग बाय द वे। एनीवे, लड्डू जो है, लड्डू तकरीबन अब हम बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। और हम जी यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, कुछ नमकीन बन रहा है, कुछ मीठा बन रहा है, और साथ में खैर मैं तो इतने बड़े मग में चाय भी पी रही हूँ। मुझे बहुत मजा आता है किचन में काम करते हुए चाय पीने का, सर्दियों में चाय और गर्मियों में जूस। अच्छा, लेकिन नहीं, मेरे लिए तो हर मौसम में चाय। अच्छा देखें क्या हुआ, दूध में हमने चीनी डाली और शीरा सा बना, ठीक है। आप देखिए कि शीरा है और इसमें हमने इलायची भी डाली। अब इसमें कोकोनट डलेगा, इसमें काफी सारा कोकोनट, ये थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ हिलाए, ठीक है, इसको मिक्स करें आप। ओके, ये लें। कुछ गलत ना हो जाए भाई, सारा कोकोनट, सारी मेहनत। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं और है कौन वो। हाँ, कंडेंस मिल्क भी डल रहा है जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? मैं नवीद बात कर रहा हूँ, मुल्तान से। नवीद जी, नवीद ओके, मुल्तान से। नवीद, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, हम बिल्कुल ठीक हैं, और हम आज लड्डू बना रहे हैं। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हो? जी मैं देख रहा हूँ।